देखो तो कैसा है ये समाज। दमाजी ससुर जी आइए आइए, लक्ष्मी माता पिताजी आए हैं। अरे आप खड़े क्यों, आइए आइए बैठिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दमाजी आप सुबह थोड़ा वक्त निकाल सकते हो क्या? इसलिए संगीता को लड़के वाले देखने आए हैं। लेन देन के बारे में बात की। हाँ हाँ आप हो ना तो फिर आप बात कर लो। अरे लक्ष्मी सास जी हैं ससुर जी हैं, जब घर के दो बड़े हैं तो वो संभाल लेंगे, मुझे हर मामले में सामने क्यों कर देते हैं। अरे आप सबके रहते हुए मेरी क्या जरूरत। देखिए आप घर के सबसे बड़े दामाद हैं, आप नहीं आएंगे तो कल सुबह मुझे एक जरूरी काम से जाना है, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। गणेश को मैंने सब सिखा दिया है, वो सब संभाल लेगा। मतलब अगर सब ठीक ठाक हो तो शादी का दिन तय कर दे क्या? क्या ससुर जी आप बड़े हैं, आप जो कुछ तय करेंगे ठीक ही होगा। जितनी जल्दी हो संगीता की शादी हो जाए। संगीता की शादी जल्दी होगी तो गणेश की शादी भी जल्दी होगी, और सिर्फ गणेश ही तो हमारे घर में बचा है। कितने दिन कुंवारा बैठा रहेगा, उसकी भी तो हम लोगों को शादी करवानी है ना, इसके बाद उसकी भी तो शादी के बारे में सोचना है। गणेश की शादी की क्या जल्दी है, श्रुति की भी शादी की उम्र हो गई है ना। अरे श्रुति तो अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई खत्म होने में अभी 2 साल बाकी है। अच्छा सुनिए, संगीता की शादी होते ही गणेश की भी शादी तुरंत तय करेंगे, मेरी बात समझ गए? समझ गए होंगे ना आप? समझ गया, चलता हूँ बेटा। नमस्ते। आपको गणेश की शादी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसका कोई बाहर चक्कर चल रहा है क्या? चक्कर और उसका, वो तो अभी छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई पसंद ही आई तो वो मुझसे आकर सलाह लेगा। दिव्या के बारे में सोच कर ही उनके सामने ये बात छिड़ी थी। उनके कान में ये बात चली गई है ना तो उन्हें ख्याल रहेगा। और गणेश नहीं माना तो? अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो जूतों से मारूंगा। ये उसकी शादी है, उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी मत बोलिए। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। देखो तुम इस बात में टांग मत अड़ाओ, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। देखो मुझे अभी ना एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जाकर आता हूँ। हे भगवान, इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है कि बुरा ये मुझे समझ में नहीं आता। इनके मन का हुआ तो खुशी से सातवें आसमान पर रहेंगे ये, नहीं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे।